Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Francis Bacon's essay of adversity. देखिए Francis Bacon जो हैं father of English essays माने जाते हैं. ये एक great philosopher and great politician भी रहे हैं. इनके essays जो हैं universal appeal करते हैं. अगर आप इनके essays पढ़ेंगे तो आपको life से related बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इससे पहले हम ऑफ स्टडी एंड ऑफ ट्रुथ डिस्कस कर चुके हैं. आज बात करेंगे ऑफ एडवर्सिटी के बारे में. देखिए ऑफ एडवर्सिटी में एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बातें देखने को मिलेंगी. एडवर्सिटी मीन्स हमारे जीवन की कठिनाइयाँ और प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि. तो ये ऐसे स्टार्ट होता है सेनेका की स्पीच से. सेनेका एक ग्रेट रोमन फिलोसोफर हैं और एक राइटर भी हैं. तो ये ऐसे स्टार्ट होता है उनकी स्पीच से. वे कहते हैं इट वॉज एन हाई स्पीच ऑफ सेनेका दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रोस्पेरिटी आर टू बी विश्ड बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड. वे कहते हैं कि जो गुड थिंग्स प्रोस्पेरिटी से बिलोंग करती है उनकी चाह की जाती है, उनकी इच्छा की जाती है. जो समृद्धि से बिलोंग करती है वे लोग चाहते हैं कि वह सब हो और उनकी हमेशा से इच्छा की जाती है समृद्धि आए. बट जो एडवर्सिटी से बिलोंग करती है, कठिनाइयों से बिलोंग करती हैं, उनको भी अप्रिशिएट और एडमायर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन की कठिनाइयाँ ही हमारी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव शेप देती है. हमारे जीवन की कठिनाइयों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक नेगेटिव एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है. आगे कुछ लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया गया है. इनका मतलब है थिंग्स ऑफ विक्ट्री आर डिज़ायर्ड अपोजिंग वंडरफुल. वही चीज़ है, विक्ट्री को डिज़ायर किया जाता है, समृद्धि की डिज़ायर की जाती है, उसकी इच्छा की जाती है कि प्रॉस्पेरिटी आए. एडवर्सिटी को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए. आगे कहते हैं सर्टेनली इफ मिरेकल्स बी द कमांड ओवर नेचर दे अपीयर मोस्ट इन एडवर्सिटी इट इज़ येट अ हायर स्पीच ऑफ हिज देन द अदर इट इज़ ट्रू ग्रेटनेस टू हैव इन वन द फ्रेलिटी ऑफ मैन एंड द सिक्योरिटी ऑफ गॉड. आगे दोबारा से लैटिन वर्ड का यूज़ देखने को मिलेगा. वे कहते हैं कि एडवर्सिटी जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस देती है वे एडवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं कि एडवर्सिटी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें इंस्पायर करती है. वे कहते हैं अच्छे और बुरे समय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए क्योंकि बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है. वे कहते हैं मिरेकल चमत्कार जो हैं वे एडवर्सिटी के टाइम पे देखने को मिलेंगे. जो नेचर से रिलेटेड जो भी चमत्कार होते हैं जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि मिरेकल बुरे समय को ख़त्म करते हैं, बुरे समय के प्रभाव को ख़त्म करते हैं. सो ये मिरेकल देखने हैं तो ये सब हमें कठिनाई के समय देखने को मिलेंगे. आगे वे जो मनुष्य का भगवान पर विश्वास है इसकी बात करते हैं कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास है कि भगवान डिफ़िकल्टी लाते हैं तो सॉल्यूशन भी देते हैं. हमें विश्वास है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. आगे ये जो लैटिन वर्ड्स हैं इनका मतलब है इसलिए एक वीक मैन और पावरलेस मैन जो होता है वो हमेशा गॉड की प्रोटेक्शन फाइंड करता है. बेसिकली इट शोज पावर ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी कि कठिनाइयों के समय मनुष्य का भगवान पर विश्वास और चमत्कार कैसे बुरे समय के प्रभाव को कम कर देते हैं. आगे कहते हैं दिस वुड हैव डन बेटर इन पोइजी where transcendences are more allowed and the poets indeed have been busy with it for it is in effect the thing which figured in that strange fiction of the ancient poets which seemed not to be without mystery nay
एंड टू हैव सम अप्रोच टू द स्टेट ऑफ अ क्रिश्चियन दैट हरक्यूलीज व्हेन ही वेंट टू अनबाइंड प्रोमेथिस सेल्ड द लेंथ ऑफ द ग्रेट ओशियन इन एन अर्थन पोर्ट और पिक्चर lively describing Christian resolution that sailed in the frail bark of the flesh through the waves of the world but to speak in a mean. वे कहते हैं हम poetry में कहानियों में miracle देख सकते हैं. बुरा समय जो है life का एक part है. इसके बिना कोई अपनी life नहीं जी सकता. हर किसी की life में बुरा समय तो आता ही है. बुरा समय हमारी इमेजिनेशन को मजबूत बनाता है बिकॉज इमेजिनेशन के थ्रू हम अपनी लाइफ की हार्श रियलिटी से दूर जा सकते हैं. वे एंशियंट पोइट्स की बात करते हैं जो कि अपनी पोइट्री में मिस्ट्री का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन का यूज़ करते थे, जैसे कि हरक्यूलीस और प्रोमिथियस का एग्जाम्पल देते हैं. उन्होंने प्रोमेथियस के जीवन की कठिनाइयों को ओशियन से कंपेयर किया कि उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी पर एक चमत्कार हुआ जिसने मानव के लिए मनुष्य के लिए आग का आविष्कार किया, जिसने फायर को ढूंढा, फायर को इन्वेंट किया. प्रोमेथियस द्वारा फायर का इन्वेंशन किया गया और उसके बाद हरक्यूलीस ने वहाँ यात्रा की. The virtue of prosperity is temperance. The virtue of adversity is fortitude, which in morals is the more heroical virtue. Prosperity is the blessing of the Old Testament. Adversity is the blessing of the New, which carries the greater benediction and the clearer revelation of the God's favor. Yet even in the Old Testament, if you listen to David's harp, you shall hear as many hymns like airs as carols. And the pencil of the Holy Ghost hath labored more in describing the afflictions of Job than the felicities of Solomon. वे कहते हैं प्रोस्पेरिटी जो है संयम लाती है, धैर्य लाती है, पेशेंस लाती है, लेकिन एडवर्सिटी जो है साहस लाती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देती है और यह सब भगवान के हाथ में है. आगे कहते हैं प्रोस्पेरिटी जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का पवित्र साइन है और एडवर्सिटी न्यू टेस्टामेंट का प्योर साइन है. सो बेसिकली एडवर्सिटी को सुपीरियर बताया है, गॉड का एक्सप्रेशन है ये. बाइबल की रेफरेंस ली गई है. जॉब की डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं, जो कि एक रिलीजियस मैन था और जिसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस किया. वे कहते हैं जब जॉब जैसे इंसान को भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो कॉमन मैन को क्यों नहीं, एक ऑर्डिनरी मैन को क्यों नहीं. कहते हैं हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें डिफ़िकल्टीज़ देने के लिए भी, क्योंकि वो हमारी लाइफ को योग्य बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं. आगे कहते हैं प्रोस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फियर्स एंड डिस्टेट्स एंड एडवर्सिटी इज़ नॉट विदाउट कम्फर्ट्स एंड होप्स. वी सी इन नीडल वर्क एंड एम्ब्रॉयडरीज इट इज़ मोर प्लीजिंग टू हैव अ लाइवली वर्क अपॉन अ सैड एंड सोलमन ग्राउंड दैन टू हैव अ डार्क एंड मेलनकली वर्क अपॉन अ लाइटसम ग्राउंड. जज देयरफोर of the pleasure of the heart by the pleasure of the eye. Certainly virtue is like precious odor, most fragrant when they are incensed or crushed. For prosperity doth best discover vice, but adversity doth best discover virtue. वे कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्पेरिटी हमेशा जॉय और हैप्पीनेस दे, हमेशा खुशी दे, समृद्धि, और ऐसा भी नहीं है कि एडवर्सिटी जो कठिनाइयाँ हैं हमारे जीवन की वो हमेशा हमें दुख ही दें. जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का काम, जो नीडल वर्क है, एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो एक सैड और सोलमन ग्राउंड पे अच्छा लगता है, मींस खाली ग्राउंड पर अच्छा लगता है, एक डार्क और डिप्रेस्ड ग्राउंड पर नहीं.
सो डिफ़िकल्टीज़ को एम्ब्रॉयडरी से कंपेयर किया गया है कि अच्छे समय में डार्कनेस अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा समय चलते टाइम अगर कुछ बुरा होता है उस समय हमें वह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वह एडवर्सिटी, वह कठिनाई भी हमें कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस देकर जाएगी कि हमें इस सिचुएशन में ऐसे संभल कर चलना है। वे कहते हैं हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे दिल को खुशी मिले, जहाँ हम अंदर से खुश हों, ना कि हमारी आइज को अट्रैक्टिव लगे। हमें वह काम करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले, ना कि सिर्फ हमारी आँखों को। बेसिकली उन्होंने एडवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दी है कि बुरे समय में मिरेकल देखने को मिलेगा, बुरा समय एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस छोड़कर जाएगा, और जिससे एक बार कठिनाई आई उसने आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिया कि नेक्स्ट टाइम आप वह काम दूसरे तरीके से करते हैं, संभल कर करते हैं, सावधान होकर। तो बेसिकली एडवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दी है, एडवर्सिटी को पॉजिटिव बताया है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी देकर जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसे ऑफ एडवर्सिटी। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।